बच्चों, मैं फिर आया हूँ सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट डिवीजन लेकर पार्ट टू। देखो, अभी हम ग्रेन साइज एनालिसिस तक आए थे। इससे पहले मैंने बता दिया था आपको वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, इनसेट टू डेंसेट निकालने के लिए। देखो, ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं हम सॉइल में, यानी कि सॉइल के पार्टिकल जो है वो उनका साइज क्या है, ठीक है। तो सीव एनालिसिस होगा वन इज, सेकेंड इज सेडिमेंटरी एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, सीव एनालिसिस जो होता है वो कोर्स ग्रेन के लिए होता है, कोर्स सॉइल के लिए, यानी कि ग्रेवल और सैंड के लिए। और जो फाइन सॉइल हो जाएंगे, यानी कि बहुत जो जिनके जो पार्टिकल हैं वो छोटे डायमीटर के हैं, यानी बहुत सिल्ट और क्ले है, उनके लिए क्या होगा? सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टॉक स्लो पे वेरिड है, ठीक है, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, इरिगेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो स्टॉक स्लो होता है कि आपकी जो पार्टिकल्स है वो नीचे पानी में मूव करता है, उसको टाइम देखेगा। तो पिपेट मेथड है और हाइड्रोमीटर मेथड है, बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। दो मेथड आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, पिपेट मेथड किस लिए यूज होता है, हाइड्रो मेथड किस लिए यूज होता है, किस लिए? तो फाइन ग्रेन सॉइल के सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए, टू ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए। और कोर्स सैंड जो है, ग्रेवल सैंड, इनके लिए क्या है? सी माने, यानी कि छन्नी। सी माने होता है छन्नी, है ना, छन्नी से छान लेना। तो ऊपर जो सपोज उस पर छन्नी होगी कोई, ज्यादा उसमें स्पेस होगा, उसकी छन्नी होगी तो, है ना, उसकी सीव होगी, तो उससे जो छन जाएगा नीचे निकल जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा डाया का, उससे बड़े डाया का ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना सीव एनालिसिस, सिंपल सा आपका ये कॉमन है। तो ये ग्रेवल में क्या होता है, कोर्स सीविंग होती है और फाइन सीविंग होती है। ग्रेवल के लिए कोर्स सीविंग, सैंड्स के लिए फाइन सीविंग, ठीक है। फाइन सीविंग में भी दो होती है, ड्राई और वेट। व्हेन फाइन्स आर लेस, फाइन्स होते हैं बहुत महीन, यानी कि सिल्ट, है ना, सिल्ट जो होंगे बहुत कम है तो ड्राई हो जाएगी, और वेट हो जाएगी जब फाइंस बहुत ज्यादा होंगे। इसे धोते हैं पानी से, उसके फाइंस निकाल लेते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर दोबारा आपकी ये ड्राई सीविंग करते हैं, और जो बाकी बचते हैं पानी के साथ गिलाते हैं उन्हें फिर इधर ले जाते हैं। वैसे करके इसका कॉन्सेप्ट है, जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो नोट, सीव एनालिसिस, सीव ये ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। सीव एनालिसिस कौन से कोड में है? हमारे IS कोड 460/460x1962, ठीक है, 460-19 962 याद, 1962 याद रखना आप, 1962 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में दो तीन एग्जाम दिए मैंने जिनमें मैंने देखा है, ठीक है। तो सीव पर 4.75 mm लिखा होगा, या 500 माइक्रोन, 500 माइक्रोन, तो है ना, सीव पर, एक सीव पर सैंपल लिया, उसको 4.75 mm सीव पर पास किया, ठीक है, पास कराएंगे हम। देखो होता क्या है, तो क्या होगा ऐसा करने के बाद, 4.75 mm की सीव है, सपोज करो मैंने देखो ये टेबल बनाई है, ठीक है, इससे कुछ रिटेन हो जाएंगे, यानी कि सीव पर ही रह जाएंगे कुछ पार्टिकल, कुछ इससे पास हो जाएंगे, कुछ गुजर जाएंगे, इससे कुछ निकल जाएंगे, ठीक है, जो छोटे डायमीटर के होंगे, तो उसे बोलते हैं फाइन सीव एनालिसिस। उसका क्या करेंगे हम, फाइन सीव जो निकल जाएंगे 4.75 से, ये वैल्यू याद करने की है, और जो रिटेन इसके ऊपर ही रह जाएंगे वो होता है ग्रेवल फ्रैक्शन, है ना, ग्रेवल फ्रैक्शन, उसको क्या करते हैं हम, कोर्स सीव एनालिसिस करते हैं। कौन सा सीव एनालिसिस करते हैं? कोर्स सीव एनालिसिस, ठीक है। इस पार्ट को देखो, कोर्स वाले को देखो पहले, इस पार्ट को चार सीव से पास कराना है, ठीक है। अब ये वाला पार्ट उठा लिया हमने, सपोज करो 100 डाला था, यहाँ पे 30 इधर निकल गया, 70 इधर निकल गया, 30 को पकड़ लिया हमने, ठीक है, उसको हम फोर सीव से डालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कितना है, कोर्स एनालिसिस में कितनी होती है ग्रेवल फ्रैक्शन में, कोर्स सीव एनालिसिस में 4 सीव, तो उनके डाया आप, उनके ये नंबर याद रखो आप, 80 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। और इधर आ जाओ आप, अगर सैंड है, फाइन सीव एनालिसिस है ये वाला फाइन सीव, तो इसमें क्या होगी, क्ले और सिल्ट भी है ना, तब क्या करेंगे, अगर सैंड सैंड है तो फाइन सीव एनालिसिस कर देंगे, और सैंड के साथ क्ले और सिल्ट भी है तब क्या करेंगे, सीव प्लस सेडिमेंटेशन, मैंने बताया था ना सेडिमेंटेशन और सीव, पिपेट और हाइड्रोमीटर वाले, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मैंने बताया था ना। उसके क्या करेंगे, जब फाइन ज्यादा होंगे, ये फाइन ही बोलते हैं इन्हें सिल्ट को, उसे धोएंगे पहले, यानी कि गीला कर देंगे, फिर उसे धोके साफ कर देंगे, दूसरे कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, कुछ हमारे सीव इसमें आ जाएगा, नॉर्मल सीव एनालिसिस में, कुछ सेडिमेंटेशन में। अब देखो इसके लिए कौन सी सीव होती है, 7 सीव होती है फाइन सीव एनालिसिस के लिए, याद करना। इनके डाया जाते हैं 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, mm और माइक्रोन अंतर है, इसका मतलब होता है 10^-6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 600 पॉइंट सिक्स हो जाएगा, 0.6, ठीक है, mm, 625 माइक्रो, 425, 212, 175, याद रखना, इंटरव्यू में पूछ सकता है ये, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है ये पूछने का। अब देखो प्रोसीजर क्या है, सिंपल सा है, 500 ग्राम का सॉइल सैंपल लेंगे, सीव करेंगे उसे, यानी कि छानेंगे, 10 मिनट तक छानेंगे, ये आती है कितना टाइम होता है, कितना ग्राम है, शेकिंग की, मैकेनिकल शेकर की कितनी टाइम होता है, 10 मिनट। तो परसेंटेज वेट रिटेन ऑन पर्टिकुलर सीव, किसी पर्टिकुलर सीव पर परसेंटेज वेट रिटेन कितना होगा, वेट ऑफ सॉइल रिटेन ऑन दैट सीव अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल इंटू 100। देखो होता क्या है ये, मैंने देखो ये दिखा दिया आपको,
ये मेरी शीट्स हैं रेड वाली जो मैंने दिखा रखी है, 1 2 3, थ्री शीट्स दिखाई मैंने, फोर्थ नीचे। अब देखो मैंने यहाँ 500 ग्राम मैंने यहाँ पे सीव लगाया, ठीक है, सीव करा 500 ग्राम, सॉइल सैंपल लिया, तो 100 ग्राम इस पर रिटेन रह गया और बाकी 400 ग्राम नीचे चला गया। अब यहाँ कितना आया था 400, उसमें से 100 ग्राम यहाँ रह गया, बाकी 200 नीचे चला गया। अब यहाँ कितना आया था 200, तो 100 ग्राम नीचे चला गया, 200 ग्राम नीचे चला गया और 100 नीचे रह गया, देखो है ना। तो क्या होगा, देखो मेरा 500 है, ये कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। परसेंटेज वेट रिटेन्ड, परसेंटेज वेट रिटेन्ड इस सीव पे कितना रिटेन हुआ उसका वेट निकालो, अपॉन कितना हमने टोटल डाला था, तो 100 रिटेन हुआ और 500 टोटल डाला था। अब सेकंड वाली पे देखो कितना रिटेन हुआ, 100 सपोज करो रिटेन हुआ और टोटल कितना डाला था हमने, 500 डाला था, तो 100/500 इसका भी कितना हो जाएगा 20%। तो वैसे करके परसेंटेज निकालेंगे। अगर इस सीव पे मैं कम्युलेटिव परसेंटेज देखूं, क्यूमुलेटिव, तो कितनी हो जाएगी, 20 20 20, सबको ऐड करते, यानी कि इस सीव से ऊपर ऊपर जितना भी पार्टिकल इस सीव से ज्यादा डाया का है, ठीक है, उसे उसे बोल देंगे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव जुड़ती हुई, एडिटिव जोड़ते हुए परसेंटेज को, यानी कि 500 डाला था नीचे 100 ही रह गया, तो ऊपर कितना रहा होगा 400, है ना, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज हो जाएगी, इन सब सबको जोड़ देंगे। और अब फिर आता है टर्म परसेंटेज फाइनरी, और आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, और इसका कन्वेंशनल में भी यूज है और इंटरव्यू में भी, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, सिंपल सी बात है। यहाँ कितना होगा, जो जितना टोटल है माइनस ये वाला सारा वैल्यू, तो वही है 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना, इसलिए 100 आया है। अभी देखो, और कुछ बच्चे नोट्स मांगते हैं, पीडीएफ दे दो, मैं साथ में ही नोट्स बनाता हूँ जॉब से आके, और तभी आपको वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, तो वीडियो देख लिया करो, नोट्स से कोई पूरे नहीं है मेरे पे, ठीक है, जितने बने हैं उतने बनाए हैं, अभी तो इसी चैप्टर के बनाए हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या है, स्टॉक्स लो मैंने बताया था, अभी हमने बात करी थी किसकी, सीव एनालिसिस की, तो स्टॉक्स लो पे वैलिड है, वैलिड कब होगी, स्टॉक्स लो जब डाया जो होगा ना सॉइल का, वो 0.2 mm से 0.002 mm तक होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव माता है, अगर सॉइल पार्टिकल 0.2 mm से छोटा है तो कौन सा मोशन हो जाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी बहुत धीरे धीरे से गिरेगा, ब्राउनियन मोशन 12th में पढ़ा था हमने, 0.002 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो टर्बुलेंट मोशन हो जाएगा, तो भी हमारी वो वेलोसिटी हम सही से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, स्टॉक्स लो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो फाइन ग्रेन होगी तो क्या करती है, फाइन ग्रेन चार्ज कैरी करती है अपने साथ, तो वो क्या करती है, पार्टिकल जो होते हैं ना उसके उनमें क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो चिपक जाते हैं आपस में, चिपकने से क्या बना लेते हैं, फ्लॉक बना लेते हैं, फ्लॉक यानी कि मिल जाएंगे, ठीक है। यूज क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालेंगे उसमें, ये हम क्यों डालते हैं ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको दो नाम याद करने हैं, तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो पूरा बेसिक बताऊंगा, तो डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं जिससे कि फ्लॉक ना बने, फ्लॉक बन जाएगा अगर, देखो जो हमारा स्टॉक्स लो होता है ना, जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, स्टॉक्स लो एक पार्टिकल के लिए बोला था उसने, स्टॉक्स एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने एक एक पार्टिकल पे एनालिसिस करा था और इनफाइनाइट मीडियम में करा था, यानी कि फाइनाइट मीडियम नहीं था, बट हम अगर एक्चुअल में देखें तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या पार्टिकल चिपक जा रहे हैं, तो एक तो पहले तो एक पार्टिकल की नहीं हुई, तो इसलिए हम एजम्पशन लेते हैं कि अलग अलग पार्टिकल है, ठीक है, और इनफाइनाइट मीडियम में नहीं है, फाइनाइट मीडियम में उसकी वॉल्स है, वॉल्स है, ठीक है, उनका इंटरप्शन आ रहा है बीच में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जिससे ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो हमारी सही हमारी जो राइट कंडीशन है उस तरफ हम लेके जाएं उसे, तो हमें उसे फ्लॉक नहीं कराना, यानी कि हमें एक पार्टिकल को ही अलग अलग ही रखना है सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, तो उसे अलग अलग रखने के लिए हमें फ्लॉक नहीं बनवाना, फ्लॉक नहीं बनवाने के लिए हम डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट बनाते हैं जिससे कि हमारे फ्लॉक ना मिले, और वो दोनों कौन से हैं, ये नाम आता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम ऑक्सेलेट, ठीक है। अब देखो दो मेथड बताए थे मैंने इसमें, हाइड्रोमीटर मेथड और पिपेड मेथड, ये मैं बुक से एकदम निचोड़ निकाल के आपको लिख दे रहा हूं शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में, ठीक है। इसमें सॉइल सस्पेंशन में डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ये देखो हाइड्रोमीटर में क्या करते हैं, सॉइल सस्पेंशन है कोई, जहां पे हमारा पार्टिकल वो हमारा पानी और उसमें सॉइल है, ठीक है, तो इसमें क्या करा हमने, सॉइल का सस्पेंशन बना दिया और उसमें हमने डेंसिटी यानी कि डेंसिटी निकाल ली, किसी भी टाइम की डेंसिटी के हिसाब से इनडायरेक्टली वेट ऑफ, हमें डेंसिटी पता चल जाएगी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन या मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहीं से हमें मास भी पता चल रहा है ना, तो इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम वेट निकाल लेते हैं हाइड्रोमीटर, वेट के हिसाब से क्या निकाल लेते हैं, इसकी वो सॉइल की ग्रेन साइज क्या है, साइज निकाल लेते हैं। और पिपेट मेथड में क्या करते हैं, 1 cm³ सस्पेंशन में वेट ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करते हैं, 1 cm³ ही हमने सस्पेंशन उठा लिया उसमें वेट देख लिया, इन दोनों में ये अंतर है, ठीक है, तो देख लेना, 10 cm³ सॉइल सस्पेंशन लेते हैं एक स्पेसिफाइड डेप्थ से, उसमें वेट ऑफ सॉलिड निकालते हैं, ठीक है,
ये मैंने बेसिक बता दिया है। अब देखो इसमें जरूरी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए, मेनिस्कस करेक्शन फैक्टर, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर एंड डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट। ठीक है, जिससे बोलते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन फैक्टर। तो देखो मेनिस्कस करेक्शन फैक्टर हमेशा याद रखो पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना है, आता है ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे करके दिया होगा, बट आप सही वैल्यू याद रखो ऑलवेज पॉजिटिव। और टेम्परेचर करेक्शन क्या होगा, अगर सस्पेंशन का टेस्ट टेम्परेचर ज्यादा है हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, यानी कि आप सस्पेंशन को याद रखो बस, जो टेस्ट टेम्परेचर एक्चुअल का वो ज्यादा है तो आप इंक्रीज हो रहा है तो सीधी से हमें क्या करना है पॉजिटिव। अगर यही सस्पेंशन टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता तो क्या आता है यहाँ, नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कुछ है, सपोज करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे रूम का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उससे अगर हमारा ज्यादा है सस्पेंशन टेस्ट टेम्परेचर, जब हम सस्पेंशन टेस्ट ये वाला टेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और इस टेम्परेचर से कम है तो इसे नेगेटिव करेंगे। ठीक है, देखो यहां वही बात लिखी है मैंने, सस्पेंशन टेम्परेचर कम होगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो क्या करेंगे, सीटी नेगेटिव लेंगे। अब तीसरा आता है, देखो डिफ्लोटिंग एजेंट मिलाया था, मैंने बताया था क्यों मिलाया है, उससे क्या होगा ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी सस्पेंशन की, तो इसलिए क्या करेंगे हम, जब इंक्रीज होगी ना ग्रेविटी तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ऑलवेज डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव में जाता है। ठीक है, गेट में भी आया हुआ है। अब देखो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सब ये डाया में है, एक्स एक्सिस और वाई पे परसेंटेज फाइनल बाई वेट। ठीक है, 20%, 40%, 60%, 80%। अब देखो डाया ये क्या है मेरा, यहाँ पे ग्रेवल, ये वाला पार्ट ग्रेवल का है, ये मेरा यहां से यहां तक हमारा क्या है सैंड है, और ये सिल्टर क्ले है। सैंड में भी ये हमारा कोर्स सैंड है, ये मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है। ठीक है, तो देखो ये वाला कर्व देखो, दिस वन इज कर्व नंबर वन, जिसमें क्या है यहाँ पे ग्रेवल भी है, सैंड भी है, सिल्टर क्ले भी है। ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं ऐसे कर्व को, जिसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट डाया के, यानी कि कुछ सभी पार्टिकल्स हो मेरे, सैंड भी है, ग्रेवल भी है, सिल्ट क्ले भी है, उसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड। कर्व टू जो है मेरा, देखो कर्व टू ये आपको आता होगा सबको, कर्व टू क्या है देखो, मीडियम मीडियम ही हमारा सैंड है, यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल है, तो उसे बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल, जहां पे सेम डाया के पार्टिकल हो। ठीक है, और कर्व थ्री गैप ग्रेडेड, देखो ये क्या है कर्व थ्री देखो मेरा ये आया, इसमें क्या है देखो, यहाँ पे कोर्स सैंड है, मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है, बस एक तो ये नहीं है और हमारा क्ले नहीं है और ग्रेवल नहीं है, तो ये क्या होगा गैप ग्रेडेड बोलते हैं, सम टाइप ऑफ पार्टिकल है मिसिंग है। और कर्व फोर क्या है, फाइन सॉइल, खाली मेरा ये रहा देखो कर्व फोर, यानी कि एक सिल्टर क्ले ही है खाली। ठीक है, तो इससे आपको अभी देखो क्या इसका फायदा भी बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, स्लोप ऑफ कर्व स्टीप, अगर स्लोप ऑफ कर्व स्टीप है तो सिंपल सी बात है पुअरली ग्रेडेड, ये बनता ऑब्जेक्टिव, और स्लोप ऑफ कर्व क्या इंक्लाइंड है तो वेल ग्रेडेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो D10, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, आता भी होगा कुछ बच्चों को, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ D10 क्या है, D10 क्या है, इफेक्टिव साइज, ये तो सबको पता है, बट एक्चुअल में क्या मतलब है उसका, इस डाया के सिर्फ 10% पार्टिकल है, ये इस डाया की लिमिट बताता है। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझो, ये थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, D10 इक्वल्स टू मैंने बोल दिया 90 mm, तो सिंपल से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सॉइल का जो सैंपल में ना 10% पार्टिकल 90 mm और या उससे कम के हैं, बाकी 90% जो है वो 90 mm से ज्यादा के हैं, समझ गए, 90 mm इसकी लिमिट है। ठीक है, 10% पार्टिकल इतने 90 mm के हैं इसमें, और उससे कम ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, वो 90% होंगे, 10% पार्टिकल जो है 90 mm के हैं या इससे कम के हैं। तो आप D60 भी ऐसे ही होता है, D30 भी ऐसे ही होता है, इन सबका यही मतलब, इसमें 60% पार्टिकल इस डाया जो दिया होगा, इसमें 30%। अब देखो मेन चीज क्या है, ये देखो सॉइल में बहुत बार आपको, बहुत सारे एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव देते होगे तो ये फॉर्मूले मिलते होंगे, याद कर लो, D60/D10 क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और कोफिशियंट ऑफ कर्वेचर होता है D30^D60/D10। ये कितना हो जाएगा, देखो नोट यहां से याद कर लो, अगर ये सीसी हमारा जो है 1 और 3 के बीच में है और सीयू 4 से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, याद कर लेना बहुत जरूरी है, और 1 और 3 के बीच में सीसी है और सीसी 6 सीयू 6 से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं वेल ग्रेडेड सैंड, और अगर सीयू हमारा 1 है, यानी कि D60/D10, तो D60 की भी सेम वैल्यू है, D10 के दोनों कट जाएंगे 1, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्मली सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या कहते हैं, इंडिकेट रिलेटिव इज विद विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड, कितनी आसानी से हम एक सॉइल को तोड़ सकते हैं, वही क्या है कंसिस्टेंसी है, जितनी भी आसानी से हम किसी सॉइल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, ओनली क्ले में प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंसी की। ठीक है, पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सॉइल की कंसिस्टेंसी होती है, यह फर्स्टली अटरबर्ग ने दी, अटरबर्ग लिमिट कहते हैं इसलिए, और कंसिस्टेंसी लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, जितना पानी की क्वांटिटी, जितनी वाटर की क्वांटिटी होगी वैसे ही कंसिस्टेंसी लिमिट बोलेंगे हम, तो अगर पानी क्वांटिटी बहुत कम है तो सॉलिड, थोड़ी ज्यादा है सेमी सॉलिड, थोड़ी और ज्यादा है प्लास्टिक, देन लिक्विड, देखो ये डायग्राम देख लो इससे समझ में आ जाएगा।
ये देखो हम चले, ये वाटर कंटेंट है, ये वॉल्यूम है, यहां से चलते हैं, देखो हमारे पास वाटर कंटेंट जीरो है तो ये सॉलिड रहेगा, थोड़ा हमारा वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया यानी कि यहां तक आया सॉलिड, तो इसे इसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ सॉलिड, पहले तो ये हमारा कॉन्स्टेंट चलता है फिर ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ऐसे इंक्लाइंड, ठीक है। तो ये क्या है, डब्ल्यू पी प्लास्टिक लिमिट, ये लिक्विड लिमिट, ये आर्मी श्रिंकेज लिमिट, इसे बोलते हैं सॉलिड सेमी सॉलिड प्लास्टिक लिक्विड, याद रखना इसको। यहां से देखो अभी आपकी कितनी चीज क्लियर होंगी, देखो लिक्विड लिमिट, व्हाट इज लिक्विड लिमिट, है ना, लिक्विड लिमिट क्या है, लिक्विड लिमिट सिंपल सा है, मैं अभी आप पीछे भी बताऊंगा कि लिक्विड लिमिट है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहां पे जो हमारी सॉइल है वो फ्लो करना शुरू करता है यानी कि शियर स्ट्रेंथ उसकी टोटल जीरो हो जाए, उसे बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ऐसे याद रखो, इंटरव्यू में आप सीधा ऐसे ही बता देना, आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा इसमें डेफिनेशन बोलने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। लिक्विड लिमिट क्या है, कैसे ग्रेनेड से अपरेटस से हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं, ये कैसे ग्रेनेड अपरेटर का मैंने कुछ कुछ डायग्राम दिखाया, आप वैसे इसे एक बार नेट पे सर्च कर लेना इसका, ठीक है। ये मैं अब आपको वैसे नहीं बता सकता, ठीक है, ऐसे मेरे पे इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है कि मैं उसे बिल्कुल ठीक से पूरा बना के दिखा दूं। ये क्या है, मेरा कप है एक, और यहाँ पे एक हैंडल होता है उसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, आपका 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से, और ये ऐसे उठता है गिरता है, उठता है गिरता है टक टक, और यहाँ पे इसका एक मटेरियल होता है, ठीक है, और यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, एक बताऊंगा क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट निकालने के लिए कप को 10 mm से गिराते हैं 25 बार, 25 times बिलो टक टक ऐसे करके गिरता है, ठीक है। तो सॉइल का पेस्ट बना, सबसे पहले हमने सॉइल ली, उसको क्या करा, उसमें वाटर मिलाया हल्का सा, तो उसमें पेस्ट बना लिया, उसका पेस्ट जितना बन जाए उतना पानी मिलाएंगे और कप में भर देंगे, फिर ग्रोविंग टूल होता है उससे एक कट लगाते हैं। अब ग्रोविंग टूल के बारे में बताऊंगा क्या, मैं इसे पूरा तो आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये आपको आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है, नेट से मैं इतना बता दे रहा हूँ कहां से ऑब्जेक्टिव आता है। तो ग्रोविंग टूल लगाएंगे, ग्रोविंग टूल क्या होता है उसका डायग्राम आप नेट पे चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रोविंग टूल दो टाइप के होते हैं, कैसे ग्रांडे टूल और एएसटीएम टूल। तो कैसे ग्रांडे टूल 2 mm, जब वो अभी बताऊंगा कप को कैसे काटता है, 2 mm 11 mm, और बॉटम में 2 mm होता है और 11 mm टॉप से काटता है, ठीक है। और एएसटीएम टूल 2 mm बॉटम से काटता है, 13.6 टॉप से काटता है। ऑब्जेक्टिव अभी दिखाऊंगा, देखो क्या है ऑब्जेक्टिव क्या बनता है यहां से, पहले ये देखो कैसे ग्रेंडे में नीचे, जब आप इसे अगर नेट्स पे भी सर्च करोगे ना तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे ये वैल्यू, ठीक है। देखो कैसे ग्रेंडे में नीचे रबड़ का पेड़ लगा होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, बहुत बार आ चुका है ऐसा ऑब्जेक्टिव, कैसे ग्रेंडे में नीचे रबड़ का ऑब्जेक्ट पेड़ लगा होता है, अगर उसे रबड़ के पेड़ की को रिप्लेस कर दूं और वहां पे मैं हार्ड मेटल लगा दूं तो क्या होगा, बोलेगा लिक्विड लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, तो हम क्या होगा उसमें, लिक्विड लिमिट डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी, देखो मैं इसका फंडा बता देता हूं, फिर कुछ भी घुमाए आपको हो जाएगा क्वेश्चन। देखो होता क्या है, लिक्विड लिमिट पहले मैंने क्या करा, देखो यह देखो यहां पे ये क्या है, एक सपोज करो मैं कप को आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, ठीक है, प्लान दिखा रहा हूं उसका कप का, ये मिला होगा, ये कासा ग्रांडे टूल है, वैसे करके ऊपर से गिरेगा, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसे, ठीक है। तो मिट्टी भरी है, ठीक है, ये जो कट लगाया है ना, मैंने सॉइल ली हमारी कितनी 120 ग्राम, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका, यहां से 120 ग्राम एयर ड्राइड सॉइल लेते हैं, उसे 4 to 5 माइक्रोन से पास कराते हैं, जितना पास हो जाता है ना फिर उसमें वाटर मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। हैंडल को 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से घुमाते हैं, तो अब क्या होगा, देखो ये मैंने क्या करा, एक कैसे ग्रांडेड टूल या एएसटीएम टूल से मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, यानी कि यहां से उसकी मिट्टी निकल गई इस जगह की, तो अब यहाँ पे स्पेस बन गया इनके बीच में, तो जब मैं इसे गिराऊंगा इसे 25 बार, तो जब तक ये 13 mm तक ना भर जाए, यानी कि भरेगी ना, है ना, ये यानी कि ये गीली होगी तो वापस अपनी जगह आएगी, जब इस पे वो लगेंगे ऐसे करके, जब मैं इसे गिराऊंगा ब्लोज लगाऊंगा तो ब्लोज लगाने से वापस ये अपनी जगह आएगी 13 mm तक, जब तक ना भर जाए, तो जब 13 mm पे भर जाए 25 ब्लोज पे, उस वाटर कंटेंट को जो जितना हम वापस रिपीट करते रहेंगे ना, वाटर वापस सैंपल बनाते रहेंगे, तो उस सैंपल को बोलेंगे लिक्विड लिमिट। अब देखो यहां से देखो, मैंने जो क्वेश्चन बोला है, मैंने बोला कि यहां पे जो रबड़ का पैड है उसकी जगह क्या करें, हार्ड मेटल लगा दे, तो अभी क्या देखो, जब ऐसे 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 करके गिर रहा है वो, तो अभी सपोज करो मैंने 10 वाटर डाला, 10 लीटर पानी डाला मैंने सॉइल को, तब वो हमारा ग्रूव जो है वो फिल हुआ। अगर क्या करता हूं मैं, मेरा इसको क्या करता हूं, हार्ड कर देता हूं, हार्ड करने से आने की इस पर क्या होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि इस पे क्या प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना, पहले रबड़ का है, पहले इतना लोड नहीं लग रहा होगा, जब मैं ऐसे मारूंगा टफ ज्यादा नहीं होगा नहीं नीचे, तो नीचे अगर मैं टफ कर दूंगा मैटर को, हार्ड कर दूंगा, तो क्या होगा, कम पानी में भी जल्दी भर जाएगा ग्रुप, तो इसने क्या हो जाएगा, वो लिक्विड लिमिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मैंने बता दिया, अभी क्या है, देखो ये वाटर कंटेंट है, ये कर्व बनता है, इसे बोलते हैं फ्लो इंडेक्स, क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, फ्लो इंडेक्स कब बनता है,
वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लोस के जो डायग्राम है इस पे लॉक कर्व पे, ठीक है। और मैंने बोला देखो एन वन पे कितना है, सपोज करो पानी डाला हमने 10, तो मेरे एन वन ब्लोस पे भर गया 13 mm। फिर मैंने वाटर कंटेंट कम कर दिया, वाटर कंटेंट मेरा और कम हो गया, तो ये एन टू पे मेरा, यानी कि देखो सीधी सी बात है, जब वाटर कंटेंट कम होगा तो हमारे नंबर ऑफ ब्लोज भी ज्यादा होंगे, जब वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो मेरे नंबर ऑफ ब्लोज कम होंगे, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तैर रहा है ना, पानी में फ्लूडिटी है तो ये जल्दी भर जाएगा, है ना। और अगर पानी कम होगा तो फ्लूडिटी कम है, प्लास्टिक है, डेंस है, थोड़ा सॉलिड है, तो एक जेल से होगा, ठीक है। ये फंडा है डायग्राम का, इसे बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। तो आईएफ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वन माइनस यानी दिस अपॉन दिस लॉग टेन में, तो डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन लॉग टेन एल टू अपॉन एल वन, ठीक है। अभी ये देखो लिक्विड लिमिट होती क्या है, मैंने बताया था मिनिमम वाटर कंटेंट जहां सॉइल फ्लो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सॉइल है जीरो शेयर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट टू फ्लो, जीरो प्लास्टिसिटी भी होती है लिक्विड लिमिट पे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट होती है मिनिमम वाटर कंटेंट जहां सॉइल की बॉल बनाने पर रोल करते हुए क्रम्बलिंग स्टार्ट हो जाए। देखो क्या है, 15 ग्राम की सॉइल लेंगे यहां, वहां कितनी ली थी हमने, पीछे देखो अभी मैंने बताया था, पीछे मैंने ली थी मेरी इतनी ली थी 120 ग्राम, ठीक है, 120 ग्राम ली थी, यहां लेंगे 15 ग्राम। दोनों में अंतर याद रखना, सॉइल सैंपल लेते हैं 4 to 5 माइक्रोन से पास कराते हैं, बॉल बनाते हैं सॉइल पेस्ट से, लड्डू के जैसे बनाएंगे उसे गोल 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 उस पेस्ट को, और उस बॉल को फिर ग्लास पर रखकर हथेली से ऐसे रोल करेंगे, 3 mm तक का रोल बनाएंगे, 3 mm तक का फिर बॉल बना देंगे, फिर वापस बोल लेंगे, तब तक रिपीट करते रहेंगे इस प्रोसीजर को जब तक क्रम्बलिंग स्टार्ट ना हो जाए। जिस वाटर कंटेंट पर क्रम्बलिंग स्टार्ट होगी उसे प्लास्टिक लिमिट कहते हैं, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूं, आपसे कोई पूछ ले कभी, बाकी तो इसमें आप दो वैल्यू याद रख लो, 15 ग्राम और 425। अब देखो श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट में 30 ग्राम लेते हैं सॉइल और 425 से ही पास कराते हैं 4 to 5 से, ठीक है। अभी प्लास्टिक इंडेक्स, ये है जरूरी चीज है, प्लास्टिक इंडेक्स देखो, ये वाला मैंने आपको कर बताया कंसिस्टेंसी कर, WS WP WL याद रहेगा, सॉलिड सेमी सॉलिड प्लास्टिक लिक्विड, याद कर लें दिमाग में फिक्स एकदम, पिक्चर बना लेना एक सी, तो तभी कोई क्वेश्चन नहीं गलत करोगे इसमें से। प्लास्टिक इंडेक्स पूछ ले, प्लास्टिक इंडेक्स होता है दिस वन, है ना, WL माइनस WP, ये आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस रीजन में सॉइल प्लास्टिक बिहेव करेगी हमेशा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अगर WP WL से ज्यादा है तो हमारे जो प्लास्टिक इंडेक्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सा वैल्यू होगी नहीं, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, अगर प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 0, 1 to 5, 5 to 10, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी, नॉन प्लास्टिक जीरो पे, याद रखना जीरो पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जीरो पे क्या होती है, नॉन प्लास्टिक, स्लाइटली लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, वेरी हाई प्लास्टिक। अब देखो रिलेटिव कंसिस्टेंसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव कंसिस्टेंसी ये क्या होती है, आईसी, देखो फिर यहां जाओ, ये वाला डायग्राम मैंने कहा ना, ये वाला डायग्राम दिमाग में रखना, WP और WL, सपोज करो यहां मेरा नेचुरल वाटर कंटेंट है किसी सॉइल में, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, दिस वन अपॉन दिस आईपी, ये क्या होती है मेरी रिलेटिव कंसिस्टेंसी। अगर मैं बोलूं लिक्विडिटी इंडेक्स तो वो हो जाएगा दिस वन अपॉन दिस वन, ये याद रखना। तो देखो आईसी WL, WL कितना हो गया, ये मेरा ये डिस्टेंस WL, WL माइनस WN, तो ये क्या बच गया, x है ना, x अपॉन, और नीचे क्या, WL माइनस WP, WL माइनस WP कितना हो गया, IP, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव कंसिस्टेंसी। तो अगर ये जीरो है, जीरो से कम है, तो जीरो से कम होने का मतलब क्या है, ये जो मेरा वाटर कंटेंट है, नेचुरल वाटर कंटेंट, वो बाहर होगा WL से, तभी तो जीरो आएगी ये वैल्यू, यानी कि W नेचुरल ग्रेटर देन WL, तो लिक्विड बिहेव करेगा इस पोर्शन में, तो लिक्विड ही है। और अगर मेरा IC जो है वन से ज्यादा हो का मतलब क्या है, कि जो हमारा मेरा ये वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट मेरा क्या है, WP से पीछे है, तो ये क्या बिहेव करेगा, सेमी सॉलिड बिहेव करेगा। ये वैल्यू याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। अब देखो लिक्विडिटी इंडेक्स, फिर मैंने बताया था लिक्विड इंडेक्स क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है दिस वन अपॉन दिस वन। तो अभी क्या है, नेचर, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, W नेचुरल माइनस WP, ऐसे तो निकलेगा ये, तो W नेचुरल माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, वही IP हो गया। इसमें भी क्या है, अगर ये जीरो से कम है, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर मेरा ये IC था, ये जीरो से कम था, तो क्या होता था, वो लिक्विड यहां हो जाएगा सॉलिड, लिक्विडिटी इंडेक्स में, नाम से समझ में आ रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स है उसमें वो एक से ज्यादा होगा तभी तो लिक्विड होगा, है ना, नाम से समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब आता है टफनेस इंडेक्स, IT, इसे बोलते हैं IP अपॉन IF, याद रखना, ये इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि PA ऊपर आएगा, F नीचे आएगा, IP क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स, IF क्या, फ्लो इंडेक्स, जो ही बताया था, W1 माइनस W2 अपॉन लॉग 10 N2 अपॉन N1, तो ये याद रखना, PF कटता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मेरा क्या कटता है,
प्रोविजनल मेरा क्या करता है, पेंशन फंड हो गया, एनपीएफ हो गया, पीएफ कटता है ना, तो प्रोविजनल फंड कटता है, तो वो क्या होता है पीएफ, ऐसे याद कर लेना है, मैं फंडा बताना मैं याद करने का, तो आईपी अपॉन आईएफ, तो फोर मोस्ट सॉइल वन और थ्री के बीच में होता है आईटी, जैसे कि मेरा सीसी होता था। सेंसिटिविटी क्या होती है, सिंपल सा है, सॉइल की स्ट्रेंथ है, सिंपल सी रेशियो है स्ट्रेंथ का, तो सॉइल की स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब, जो मेरी कोई ऐसी सॉइल है बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड पड़ा है, उस पर मैंने कभी कोई काम नहीं हुआ, उस पर क्या है कभी मिट्टी नहीं खोदी गई, अभी क्या है मिट्टी को मैंने निकाल के दोबारा फिल करा उसे, यानी कि डिस्टर्ब कर दी मिट्टी, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उनका रेशियो क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू रिमाउंडेड, इसमें हम भूल जाते हैं रिमाउंडेड ऊपर आएगा या ये अनडिस्टर्ब नहीं जाएगा, तो यू आर याद रखना अनरिजर्व, यू आर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वाले अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं ना, तो यू आर से याद रखना यू ऊपर है आर नीचे है, ठीक है। अब देखो सेंसिटिविटी 1, 2, 4, 4, 8 ये डायग्राम ये याद कर लेना टेबल, नो लॉस इन स्ट्रेंथ, अगर 1 होगी तो नो लॉस है, 2 से 4 है तो नॉर्मल सेंसिटिविटी है, 4 से 8 सेंसिटिविटी है, ये याद कर लेना, ठीक है। अभी देखो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, तो अभी सॉइल मैंने इतना ही, अभी देखो कुछ बच्चे कहते हैं आगे का दे दो नोट्स, ये देखो थिक्सोट्रॉपी, ये एक टॉपिक रह गया था थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैंने सॉइल को रिमाउल्ड करा यानी कि उसे खोदा, खोद के दोबारा भरा, तो सॉइल अपनी कुछ ओरिजिनल स्ट्रेंथ खो देगा, लॉस कर देगा, तो कुछ क्ले ऐसी होती है जो टाइम के साथ अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर लेती है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो किसी भी चीज की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है थिक्सोट्रॉपी कम है, ठीक है। एक्टिविटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, एक्टिविटी क्या होती है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन परसेंटेज बाई वेट फाइनर देन 2μ, इस वैल्यू को याद रखना है ऑब्जेक्टिव में सीधा जाता है, यानी कि परसेंटेज क्ले है 2μ, जो इससे 2μ से कम होंगे जो बाई वेट वो क्ले तो होते हैं, सिल्ट अभी बताऊंगा वो आगे आपको पता लगेगा, ठीक है। इससे अगला चैप्टर जो है सॉइल का एक्सपेंसिव होना और श्रिंक होना, एक्सपेंसिव यानी कि फूलना और सिकुड़ना, वो क्या एक्टिविटी, एक्टिव है वो सॉइल, ठीक है। इसका मतलब ये एक्टिविटी 0.75 लेस देन 0.75 टू 125, 0.125 से ग्रेटर देन, ये टेबल जरूर याद कर लेना, अगर ऐसा है तो इनएक्टिव है, नॉर्मल है ये एक्टिव है, और ये मेटेरियल याद कर लेना क्योलिनाइट इन लाइट माउंट मोनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट मोनोलाइट क्या है हमारी एक्टिव सॉइल है, ठीक है। इसकी कितनी होती है 0.38, इन लाइट की होती है 0.90, माउंट मोनोलाइट होता है 0.2, और ब्लैक कॉटन सॉइल जो हमारी वो बहुत एक्टिव होती है, हाईली एक्टिव होती है, हाईली कंप्रेशन होती है और स्वेलिंग होती है इसके अंदर, तो इसलिए हम ऐसी सॉइल के ऊपर फाउंडेशन स्ट्रक्चर खड़ी नहीं करते, इसको निकालते हैं पहले, दूसरी सॉइल भरते हैं, मोरम भरते हैं इस जगह, तो इसलिए हम सॉइल की स्टडी करते हैं। तो ये वाला पहला चैप्टर खत्म, तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर लेके जल्दी आऊंगा, ओके बाय।